नमस्कार। देशज औषधि की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे रसोई में इस्तेमाल होने वाले अपने देश भारत में पाए जाने वाले खुशबूदार तेज पत्ता की। भारत में इसका इस्तेमाल खूब होता है, इसलिए इसकी जानकारी विस्तार से देने का प्रयास है। मसाले की उपयोगिता के साथ साथ हम थोड़ा सा वर्णन प्रत्येक जड़ी बूटी या पौधे का कर लेते हैं, ताकि हमारी पीढ़ी अपने जड़ी बूटी के खजाने को आसपास देखे तो पहचान जाए और इनको पहचान कर विभिन्न रोगों में तथा स्वास्थ्य की रक्षा हेतु इस्तेमाल करें। साथ ही यह भी जाने कि हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारी दैनिक जीवन में कैसे नित्य प्रति प्रयोग होती है। तेज पत्ता का वृक्ष मध्यम आकार का लगभग 25 फीट ऊंचा होता है और 4.5 फीट व्यास में सदा हरा और सुगंध युक्त होता है। वृक्ष की त्वचा पतली, खुरदुरी, गहरे भूरे रंग की या कृष्ण आभा लिए होती है। काष्ठ आधा इंच मोटा, गुलाबी या लाल भूरे रंग का और बाहर की ओर श्वेत रेखांकित होता है। पत्र प्रायः 5 से 8 इंच लंबे, 2 से 3 इंच चौड़े, आयताकार, भालाकार, नोकदार, चिकने, आधार से अग्रभाग तक लगभग समानांतर 3 सिराओं से युक्त एवं 7.5 से 13 मिलीमीटर तक लंबे पत्र व्रंश से युक्त होते हैं। नवीन पत्र कुछ गुलाबी होते हैं। फूल 7.5 मिलीमीटर लंबे, हल्के पीले रंग लिए होते हैं। ये 5 से 15 सेंटीमीटर लंबे व्रंश के साथ कांड युक्त पुष्प व्यू में रहते हैं। फल 12 मिलीमीटर लंबे, अंडाकार, मांसल एवं काले रंग के होते हैं। इसका सूखा अपक्व फल काले नाग केसर के नाम से दक्षिण भारत में बिकता है। जिस वृक्ष का ये पत्र होता है उसकी छाल सिलोनी दालचीनी की अपेक्षा अधिक मोटी होती है तथा जल के साथ पीसने से पिछलता युक्त हो जाती है। इस तरह हमने जाना कि तेज पत्ता भारतीय दालचीनी तज यानी सिन्नामोमम तमाल के वृक्ष के ही पत्ते हैं। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल भी पाया जाता है। इसके अंदर पाए जाने वाला तत्व यूजिनॉल, फिलेंड्रीन, सिनामिक एल्डिहाइड है। आइए जाने तेज पत्र से बनाए जाने वाले चूर्ण और उसके तेल के गुण और प्रयोग। चूर्ण की मात्रा 1/4 से 2 ग्राम तक उम्र और प्रकृति के अनुसार देना उचित है। ये कफ और वायु का शमन करता है। यदि भोजन देर से पचता हो या पाचन क्रिया कमज़ोर हो तब इसका प्रयोग लाभकारी है। इसके प्रयोग से पेट में हो रहे दर्द में शीघ्र आराम मिलता है। यदि मल पतला आ रहा हो तब भी इसका प्रयोग फायदेमंद है। इसका प्रयोग करने से गर्भाशय की शिथिलता दूर होती है तथा रक्तस्राव कम हो जाता है। ये वातहर होने के कारण सभी प्रकार की वायु रोगों में आराम देता है। ये आम का पाचन करता है यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, इसलिए इसे आम वात की चिकित्सा के समय आहार में देने से लाभ होता है। इसे त्रिजात चूर्ण का निर्माण किया जाता है, जिसमें तेजपात, दालचीनी के पेड़ की कोमल छाल और इलायची की कली, ये सब समान मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। इसी त्रिजात से एक योग तैयार किया जाता है, जिसमें त्रिजात 1 भाग, पिप्पली 4 भाग, किशमिश और मुलेठी 8 भाग मिलाकर बनाते हैं। इस योग की मात्रा 300 से 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार दी जा सकती है। ये वायु को अधोमार्ग से निष्कासन में मदद करता है और शरीर में स्फूर्ति प्रदान करता है। यह योग शरीर से पसीना निकालता है, अतः हमारी त्वचा को स्वस्थ एवं कांति युक्त रखता है। स्तनपान कराने वाली माताओं में इसके प्रयोग से दूध की मात्रा बढ़ती है। त्रिजात से बने इस योग को खांसी में, पेट फूलने पर, भूख न लगने पर दिया जाता है। इससे बनी वटी को मुख में तब तक रखने का सुझाव दिया जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से घुल ना जाए। इसका चूर्ण अन्य जड़ी बूटियों के साथ ज्वर, उदर रोग और मूत्र रोग में दिया जाता है। तेज पत्र खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए मिठाई इत्यादि में डाले जाते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज़ में तेज पत्र का चूर्ण 1/4 से 1/2 चम्मच भोजन के बाद प्रातः साय लेने से ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहता है। इसके साथ उचित आहार विहार और व्यायाम भी आवश्यक है। यदि पेशाब खुल के ना आ रहा हो तब इसके 1 ग्राम की मात्रा जल से दें और साथ में लघु आहार दें। इसके सेवन से
मूत्र की मात्रा बढ़ती है, अतः ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को संतुलित रखने में भी मदद मिलती है। उल्टी, भूख न लगने पर और मुख से अधिक लार या सलाइवा निकलने पर 1 ग्राम की मात्रा जल के साथ दें और साथ में हल्का भोजन दें। सर्दी जुकाम में गर्म पानी से या शहद से 1/4 से 1/2 ग्राम की मात्रा से भोजन के बाद देने से आराम मिलता है। इसका उपटन भी बनता है जिसमें तेजपत्र, अगरू, बला, उशीर और चंदन पड़ता है। इसे जल में मिलाकर शरीर पर उपटन करने से वजन तो कम होता ही है, साथ ही शरीर से आने वाली दुर्गंध भी दूर होती है और त्वचा कांति युक्त होती है। आयुर्वेदिक स्टोर में उपलब्ध एलादि गुटिका जो खांसी और अस्थमा में दी जाती है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक तेजपत्ता है। तेजपत्र से गहरे रंग का उड़नशील तेल निकलता है जो पावरफुल स्टिमुलेंट है, पर यह तेल दालचीनी के तेल से एकदम अलग है। इसमें कुछ लौंग की सी गंध होती है। यह तेल भी मिठाई इत्यादि में खुशबू के लिए उपयोग में लाया जाता है। तेजपत्र और इससे निकला तेल उष्ण, तीक्ष्ण और कफ और वायु को शांत करने वाला होता है। आर्थराइटिस के दर्द में इसके तेल का लेप आराम देता है। अर्श यानी पाइल्स की चिकित्सा में अर्श पर तेजपत्र के तेल का लेप लगाने से और आहार में तेजपत्र को मात्रावत शामिल करने से पाइल्स में होने वाले दर्द में आराम मिलता है और पाइल मास घट जाता है। यदि घाव हो तब इसके तेल का उपयोग उसे ठीक करने में मदद करता है। रिसर्च से ये पता चलता है कि इसके अंदर पाए जाने वाला सिनेमाल्डिहाइड राजयक्ष्मा यानी ट्यूबरक्लोसिस के दंडाणु पर कार्य कर उनको खत्म करने में मदद करता है। अतः ट्यूबरकुलोसाइनस अर्थात शेयर्ज वर्ण में इसके तेल से ड्रेसिंग करने से शीघ्र ही लाभ होता है और वह ठीक हो जाता है। आइए जानते हैं तेजपत्र का तेल घर में कैसे बनाएं। 100 ml तिल का तेल लें, मंद अग्नि पर जब तक पकाएं जब तक फेना निकलना न बंद हो जाए। अग्नि से उतारकर ठंडा करें। इसमें 25 ग्राम ताज़ा पिसा तेजपत्र का चूर्ण पानी में गीला करके डालें। अब इसमें 400 ml जल मिलाएं, मंद अग्नि पर पकाएं। तेल भाग शेष रह जाने पर और झाग के शांत हो जाने पर ठंडा करें, छानकर इस्तेमाल के लिए संग्रहित करें। इसकी 5 से 10 ml की मात्रा इंटरनल यूज़ के लिए रख सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया अपने देश में होने वाले तेज पत्ते के बारे में। इसी के साथ विदेश में पाए जाने वाले और इस्तेमाल किए जाने वाले बे लीफ की जानकारी देना मैं ज़रूरी समझती हूँ। तेजपत्र भारतीय वृक्ष सिन्नामोमम तमाला का पत्र है और बे लीफ यूरोप में पाए जाने वाली सूखी पत्ती है जो वहाँ के व्यंजन में इस्तेमाल होती है। बे लीफ तेजपत्र के मुकाबले कम गंधयुक्त होती है। इसके पत्रों की सिरा बीज की सिरा से दोनों तरफ बाहर की ओर जाती है, जबकि तेजपत्र में वृंत मूल से अग्रभाग तक सीधे 2 से 3 शिरा जाती हैं जो बीच में समानांतर होती हैं। बे लीफ एक बहुत पुराना मसाला है जो यूरोप में मेडिटेरेनियन इलाके में पाया जाता है और यहीं के व्यंजन में भी इस्तेमाल होता है। ये लॉरल लीफ के नाम से जाना जाता है। इसका बोटानिकल नाम लॉरस नोबिलिस है। इसको स्वीट बे लॉरल्स या विक्टर्स लॉरल भी कहते हैं। आइए इसके भी कुछ औषधीय गुणों की चर्चा कर लेते हैं। इसके काढ़े को पीने से भूख बढ़ती है और पाचन मजबूत होता है। ये शक्तिवर्धक होते हैं। इनके सेवन से शरीर में स्फूर्ति आती है। इसके सेवन से नींद भी अच्छी आती है। इसके पत्तों के काढ़े को श्वेत पदर में पीने से आराम मिलता है। किडनी के रोग में आराम आता है। बे लीफ शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। इसके काढ़े को जलोदर में भी पीने से आराम मिलता है। यदि मासिक स्राव कम आता हो तो महिलाओं को इसका काढ़ा पीने का सुझाव दिया जाता है। इसका काढ़ा बनाने के लिए 2 सामान्य आकार की पत्तियों को 2 कप पानी में डालकर उबालकर 1 कप कर लें और इस्तेमाल करें। अब बे लीफ और तेज पत्ते का फ़र्क आप समझ ही गए होंगे। हालांकि कहीं कहीं अंग्रेज़ी में तेज पत्ते को इंडियन बे लीफ भी कह दिया जाता है। तो दर्शकों, अगली बार जब आपकी पुलाव या बिरयानी में तेज पत्ता निकले तो उन ऋषि मुनियों को जो हमारे उस काल के साइंटिस्ट थे उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिए जिन्होंने आपकी रसोई में स्वास्थ्यवर्धक औषधियों का स्थान बनाया जिन्हें हम ज़रूरत पड़ने पर
चिकित्सा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।